सो हे गाइज व्हाट्सअप अगेन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल टेक जगह पर। गाइज ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आपको बता दूँ कि आप भी इंतजार कर रहे हैं 4G गेम का, तो यार गाइज मैं भी बहुत एक्साइटेड उसके लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसकी रिलीज डेट प्लस उसकी कितने साइज के अंदर रिलीज होने वाला है, ग्राफिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ और कौन सी थीम पे रिलीज होने वाला है। गाइज सब कुछ लीक हो चुके हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको फिर से बता दूँ शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। लेकिन गाइस उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पे यार सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। सो गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो 4G गेम होने वाला है ये आपको पता है, सभी जानते हो कि ये इंडियन आर्मी पर बेस्ड है, आप सभी ये जानते हो बात। लेकिन जो इसकी थीम होने वाली है मैं बता दूं आपको कि ये होने वाला है गालवन वैली पर, जो दोस्तों चाइना की बॉर्डर है इंडिया के साथ में, उस पे ये पूरा थीम होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में जो विशाल गोंडल इसके फाउंडर है एनकोर्स गेम के, उन्होंने ये बताया है। मैं आगे बात करता हूँ उसमें कि इसकी जो क्या कितनी साइज में रिलीज होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली गाइज ये 500 टू 1 GB के आसपास लाइट वर्जन में हो सकता है और ये जो इसका फुल वर्जन होने वाला है 2 GB के आसपास ही होने वाला है, क्योंकि एनकोर्स गेम्स ने भी यही बताया इसकी साइज। अब बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। गाइज आप सभी जानते हैं कि ग्राफिक्स कैसी होने वाली है और ग्राफिक्स बहुत हाई क्वालिटी तो होने वाली है, साथ बता दूंगा आपको कि पबजी से तो थोड़ी अच्छी होने वाली है इसके अंदर। लेकिन गाइज आप जब इसका ट्रेलर देखे तो आपको लगता होगा कि आप ऐसी ग्राफिक्स तो आप सभी जानते हो कि जो ट्रेलर में होता है वैसी ग्राफिक्स कोई आपको गेम में देखने को मिलती नहीं है। पर गाइज वो ट्रेलर में ऐसा बता देते, ट्रेलर में वो कुछ ऐसा बता देते हैं कि नेक्स्ट इस लेवल तक की ग्राफिक्स में आपको देखने को मिलेगी। सो गाइज आप मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। और इसी ग्राफिक्स की बात की जाए तो मैं आपको फिर से बता दूँ यार एक बार, किसी ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं कि 2 GB गेम है तो आसपास अच्छी ग्राफिक्स ही होने वाली है। अब बात करते हैं गाइज वीडियो के एंड में आ चुका हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, थोड़ी छोटी सी वीडियो है। लेकिन गाइज मैं रिलीज डेट के बारे में बात करता हूँ आपसे। गाइज एनकोर्स गेम्स के जब इंटरव्यू हुआ था विशाल गोंडा के साथ तो उन्होंने बताया कि ये गेम अक्टूबर और सेप्टेम्बर में कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज ये कम्प्लीट जैसे ही कम्प्लीट होती वैसे रिलीज़ हो जाएगी, पर उनकी जो एक्यूरेट टाइम दिया है उन्होंने बोला कि वो अक्टूबर में भी रिलीज़ करते हैं लास्ट में, या तो फिर जैसे वो 25 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी गेम रिलीज़ हो सकती है, या फिर सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में असली में रिलीज़ हो ही जाएगी। गाइस सो गाइस ये थे कुछ आज की वीडियो का, कैसी लगी आपको वीडियो को तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताओ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे फिर से बता दो जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी वैसे ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।